मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। धर्म, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसे एक शहरी आदमी के पास इतना बढ़िया फार्म होगा। तुमने ठीक कहा विक्रम, जब मैंने पहली बार इस फार्म को देखा, इन खेतों को देखा, मेरा बस इन पर दिल आ गया। और मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि रिटायरमेंट के बाद अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताऊंगा। ये तो मुझे खरीदना ही था। वैसे हो तुम इरादे के इतने पक्के कि जो एक बार तय कर लेते हो ना तो पागल ही रहते हो। यार विक्रम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, न जाने क्यों इस फार्म के मालिकों को ये जगह बेचने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी। वो ये जगह बेचकर पास ही में एक बड़े मकान में रहने चले गए। वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था। अच्छा। उन्होंने वो मकान और ये 40 एकड़ खेत मुझे इतने सस्ते में दे दिए कि मैं तुझे बता नहीं सकता। डर गई बेटी इस पुतले को देखकर। ये पुतला स्केयरक्रो है, पंछियों और जानवरों को डराने के लिए। इसे देखकर जानवर और पंछी करीब नहीं आते, वरना खेतों को नष्ट कर देते हैं। अरे मंगल आओ आओ। विक्रम, रीमा, ये मंगल है। नमस्ते। मेरे खेतों की देखभाल करता है। अच्छा। और मंगल, ये है विक्रम साहब, बहुत बड़े राइटर हैं। और ये उनकी बेटी रीमा। ये लोग 1 महीने तक हमारे मेहमान बनकर यहाँ रहेंगे। ये किताब लिखने आए हैं, किताब। इन्हें किसी तरीके की परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ। समझे। आओ विक्रम, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। आओ। आओ बेटी। भाई धर्म, तुम्हारा फार्म हाउस बाहर से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, अंदर भी बहुत खूबसूरत है। चल के देखिए तो सही। वाह पापा, ये जगह तो बहुत अच्छी है और कितनी बड़ी भी है। यार विक्रम, तुझे लिखने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से शांति और एकांत मिलेगा। और देख, स्टेशन भी यहाँ पास ही में है। और यहाँ से स्टेशन जाने के लिए खेतों के बीच में से एक छोटा सा रास्ता है, आई मीन शॉर्टकट। रीमा बड़ी आसानी से साइकिल पर बैठकर स्टेशन आ जा सकती है, आई मीन रोजाना कॉलेज आ जा सकती है। अच्छा। हाँ अंकल, ये तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। अरे हाँ? अरे ये तो भरी हुई है, लोडेड है। ये तुम्हें इसकी क्या क्या जरूरत हो सकती है भाई? यूं ही हिफाजत के लिए, सुनसान जगह है ना, चोरों चक्के भी आ जा सकते हैं। अबे तुम्हारी तो आती है ना। डैडी। हाँ बेटा। डैडी यहाँ आइए, जल्दी आइए। क्या है? डैडी जरा इस कमरे को देखो। ये कमरा तो वाकई बहुत अच्छा है। डैडी ये रूम तो बहुत अच्छा है। I like it very much. मैं इसी रूम में रहूंगी। थैंक यू। मैं खिड़की खोल देती हूँ। हाँ खोल। ये खिड़की को इस तरह फटिया लगाकर क्यों बंद किया है? मालूम नहीं बेटा, 3 महीने पहले ये जगह खरीदी है मैंने, लेकिन मैं यहाँ रहने आया ही नहीं। मैं देखता हूँ। बड़ी मुश्किल से निकला। इसमें तो बड़ी मजबूती से कीले ठोके गए हैं। मैं कल सुबह मंगल से कहकर निकलवा दूंगा। आप चिंता मत करो, आज रात कैसे भी बिता लो, कल सुबह छोटे मोटे काम मैं सब करवा दूंगा। Thank you.
सब कल सुबह को कर लेना, अब सो जाओ। मैं भी सोने ही जा रहा हूं, ताकि सुबह जल्दी उठकर अपना काम शुरू कर सकूं। आवाज कैसे? कैसे आ गया? क्या बात है मंगल? मंगल तुमने कोई आवाजें दी थी क्या? नहीं साहब, मैंने तो कोई आवाजें नहीं दी थी। खिड़की खटखटाई थी क्या? नहीं साहब, मैं तो सोने जा रहा था साहब। मैं तो बस ये देखने आया था कि सब ठीक है ना, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है डैडी? मैम साहब, ये हवा भी हो सकती है जिससे खिड़की दरवाजे के हिलने की आवाज आती है। जहाँ तक आपको आवाज सुनाई देने की बात है, खेतों के ऊपर से जब तेज हवाएं चलती ना तो अक्सर ऐसी आवाज आती है। हम गांव वालों को तो इसकी आदत हो गई है। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। नैना, नैना। हाँ, क्या हुआ? इस नाम का कोई खास मतलब है? नहीं साहब, जब तेज हवाएं चलती ना तो ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आती है। ये डंडा, ये सब का क्या करोगे? कहाँ ले जा रहे हो इसे? नदी किनारे वाली जमीन की बुआई शुरू कर दी है हमने। वहां पर पशु पक्षी फसल तबाह करने चले आते हैं। इन सब चीजों से मैं उनको डराने वाला एक पुतला बनाऊंगा। चिड़ियों के बारे में तो नहीं कह सकती कि वो डरेंगे कि नहीं, पर मुझे तो इसे देख के बहुत डर लग रहा है। अच्छा मैम साहब, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कॉलेज जा रही हूँ मंगल। आप देखती तो जाइए कि पूरा होने के बाद कैसा लगता है। नहीं नहीं मंगल, मैं शाम को लौटते वक्त देखूंगी। ठीक है, अब चलती हूँ। आज मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई और ट्रेन भी लेट थी। बस जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। ए, ए, अरे क्या हुआ? ओ नो, इसे भी अभी पंचर होना था। अब इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा। जैसे लगा कोई
सचमुच में खड़ा है, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन ये कौन हो सकता है? हवा से कपड़े हिलते देखकर ना तुम डर के चीकर भाग निकली, और तुम्हें चीकर भागते देखकर ये तुम्हारे पीछे भागा। बेटा वो मंगल था, मंगल, वो घासभूस का पुतला नहीं था। नहीं नहीं, वो पुतला ही था, वो पुतला ही था। वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था, वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता घसीट रहा हो, वो एक पैर के पीछे अपना दूसरा पैर घसीट रहा था, वो पुतला ही था। देखते कौन है तुम्हें डराता है? मेरा कर रहा था। कौन? ये रहा तुम्हारा पीछा करने वाला शिकारी है, जो इस समय सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, चुपचाप सीधा खड़ा हुआ पंछियों को डरा रहा। लगता है आज इसने गलती से हमारी रीमा को पंछी समझ के डरा दिया। आप मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, चल रहा था। बेटे, अंधेरे में कभी कभी कुछ चीजें डरावनी लगती है, और जब कुछ डरा हुआ होता है तो हर चीज डरावनी लगती है। ऐसे में हवा का जरा सा झोंके में कोई भी हलचल होती है तो आदमी कुछ से कुछ समझ लेता है। तो वो आवाज, वो बेटा, मैंने कहा ना, तुम समझती क्यों नहीं हो, ये हवा के कारण था सब कुछ। चल चल घर चले, और तेरी खरोंचों में दवाई लगाओ। मंगल, वो साइकिल लेते आ, चल। यकीन नहीं होता एक बेजान पुतला कैसे चल सकता है। लो बेटा, पानी पी लो, तबीयत अच्छी हो जाएगी। बेटा, सुबह तक तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कभी डरी थी इतना। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट।
तो कौन है ये? परेशान कर रखा मेरी बेटी को। अरे हिम्मत है सामने आओ, जीना हराम कर दिया हमारा। एए, किधर है? कौन है इधर? वो जा रहा है। ए बेटा ये पुतला नहीं है। अरे तुम जो भी रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ, आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। डैडी, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? नहीं बेटी, ये पुतला नहीं है, ये कोई चोर है। याद है धर्म जी ने हमें सावधान किया था चोरों चकों से, चेतावनी दी थी उन्होंने हमें। नहीं नहीं डैडी, वो पुतला ही था। और फिर वो नैना नानी से पुकार रहा था, वो पुतला ही था। नहीं बेटी, ये भी तो हो सकता है कि वो पुतले के बहाने हमें डरा कर भगाना चाहता हो। आओ बेटी आओ, मैं इस मामले की तह तक पहुंच कर आऊंगा। वो कोई चोर था क्या? मेरी बेटी तो समझती है वो घास फूस का पुतला ही था, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी आदमी की कारस्तानी है। इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो लंगड़ा हो या लंगड़ा कर चलता हो? नहीं साहब, लेकिन वो बार बार नैना नैना पुकारता है। ये नैना कौन हो सकती है? क्या गांव में कोई नैना नाम की लड़की है जो हो सकता है कभी इस मकान में रही हो? देखो मंगल, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो आदमी कौन है जो हमें तंग कर रहा है? ये नैना कौन है? देखिए साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने चोर पर गोली चलाई थी, आपको यकीन है कि वो गोली उसको लगी थी? मेरे ख्याल से उसकी टांग पर गोली लगी थी, वो घिरा भी था, फिर वो जल्दी से उठकर तेजी से लंगड़ा था, वो भाग निकला। मेरे ख्याल से मेरा निशाना चूक गया होगा। लेकिन तुम मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? आप खुद ही देख लीजिए साहब, देखिए ये देखिए, ये गोली का निशान, ये गोली। साहब आप निशाना चूके नहीं थे। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे राज क्या है। ये कैसे हो सकता है कि जो गोली आपने भागते हुए आदमी पर चलाई थी, वो गोली इस बेजान पुतले की टांग से कैसे निकली? ये कहना चाहते हो कि इस बेजान पुतले ने मेरी बेटी पर हमला किया? मैंने जिस पर गोली चलाई वो ये था? ये क्या बकवास है? तो फिर आप ही बताइए कि ये क्या हो सकता है, ये गोली यहां कैसे आई? मैं ये जानना चाहता हूँ ये नैना कौन है। हमारे हर सवाल का जवाब उसी के पास मिलेगा। साहब, नैना इसी फार्म हाउस में रहती थी। उसके दो भाई प्रवीण और करण, धर्म साहब ने उन्हीं से ये घर और ये फार्म हाउस खरीदा है। चलिए आप खुद ही नैना से मिल लीजिए। कहिए, क्या कर सकते हैं मैं आपके लिए? आपको जरूर हैरानी हो रही होगी मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन मुझे मालूम है आप कौन हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि आप हमारे पुराने वाले घर में रहते हैं, है ना? और आपकी बेटी मेरे कमरे में रहती है ना? ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे क्या, सारे गांव को मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है, सबको मालूम है। पुतले ने आप पर हमला किया ना? पर वो पुतला नहीं है, वो प्रभात है, मेरा प्रभात। प्रभात? नहीं, जो बार बार मेरा नाम बुलाता है जैसे पहले बुलाया करता था। और अब आपकी बेटी के कमरे की खिड़की पर खटखटाता टक 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 टक, इसी तरह की आवाज आती है, इसी तरह की आवाज। ये प्रभात को हुआ क्या है, वो चाहता क्या है? मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। एक एक को सजा देगा, सबक सिखाएगा वो सब। लेकिन हमने क्यों नहीं करा?
हो रहा है यहाँ पर? और तुम अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए? मेरा नाम विक्रम है, मैं उसी फार्म हाउस में ठहरा हूँ जो आपने धर्म जी को भेजा। तुम्हारे बारे में जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो और हमारी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा है कि हमारे साथ बहुत अजीब अजीब सी बातें हो रही है और शायद आपकी बहन को कुछ मालूम है उसके बारे में। ये लड़की पागल है, इसकी पग पग पर ध्यान मत दो। छोटे ले जाओ, ले जाओ सर। बाहर, एकदम बाहर, दोबारा कभी नहीं आ रहा। भाई साहब, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में हमने अफवाहें सुनी है, वो पुतले वाली? हो सकता है ये अफवाहें सच भी हो सकता है प्रभात का इन अफवाहों से संबंध भी हो। कैसे हो सकता है ये? कैसे मुमकिन है छोटे? ये इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए हमें ये अच्छी तरह से पता लगा लेना चाहिए। आज रात मैं वहां जाऊंगा और देखता हूं कि ये पुतला आखिर इसमें किसे। ये है वो पुतला। ए, तू चल सकता है क्या? बोल। ए, तू चल सकता है क्या? चल सकता है, चल के दिखा, चल चल के दिखा। हट। तू क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? कुछ कर सकता है? तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे से हाँ। कुछ नहीं कर सकता। मैं भी पागल हूं, एक बार तो ये लगा कि ये सचमुच जिंदा हो। ऐसे किसी ने गला घूंट कर मार डाला है। इतनी बेरहमी से मारा ऐसे कौन हो सकता है? इसी वीरान से जगह में सूखी घास इस पर कहां से आई? ये क्या है? क्या ये? हैट? विक्रम? मिस्टर विक्रम की हैट? उस आदमी की मौत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, कल आप उनके घर गए थे और आपकी करण और उसके भाई के साथ जमकर बहस हुई थी कि नहीं? कुछ गांव वाले इस बात के गवाह हैं कि आपको दोनों भाइयों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। रात को हमें करण की लाश मिली, आप इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते? और आपका हैट मरे हुए आदमी के हाथों में कैसे पहुंच गया आप? मिस्टर विक्रम, आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हैं। ये हैट खूनी का ही है, लेकिन इसको पहनने वाले मेरे डैडी नहीं थे, बल्कि उसके एस्प्रो था, वो पुतला था। ये हैट मैंने खुद उसके सर पे रखा था। वो खून मेरे डैडी ने नहीं किया, उसने ही किया, उस पुतले ने किया है। उस कैरेक्टर वो पुतला, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात मानिए। वो नैना नैना पुकारता है, रात को मेरी खिड़की पर आकर खटखटाता है, टक टक टक।
नैना करण की बहन का नाम है और उस पुतले ने करण का खून किया है। मेरा कहना सच है, मैंने सच कहा था, वो स्केयरक्रो जिंदा है, पुतला जिंदा है, मेरी बात मानिए। मैं सब ठीक कहती हूँ। क्या? मैं सब ठीक कहती हूँ। वो पुतला ही था। कातिल वो पुतला? ये क्या बकवास है? आप क्या समझ रहे हैं मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आप याद कीजिए, 5 साल पहले आप उसी जगह पे आए थे, मगर उस वक्त वहां किसी और की लाश पड़ी थी। प्रभात की लाश पड़ी थी वहां। तुम ठीक कह रहे हो, वहीं पर प्रभात कुमार नाम के एक लड़के का कत्ल हुआ था। पर उस कत्ल का इससे क्या संबंध है? तुम्हारे बात में कोई दम नहीं है। मिस्टर विक्रम, अभी तो मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, मगर जब तक मैं ना कहूं आप ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके, सब क्या है मंगल? नैना ने भी किसी प्रभात के बारे में बताया था और अब तुम कह रहे हो उसकी लाश उसी जगह पे मिली थी, ये सब क्या है? ये वो राज की बात है जिसे गांव वालों ने डर और शर्म के मारे आज तक किसी को नहीं बताया। प्रभात शहर से किसी काम के लिए इस गांव में आया था, उसको नैना से प्यार, नैना इसी फार्म हाउस में रहती थी, उस जगह सोती थी। दोनों ने फैसला किया कि उस शहर भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके भाइयों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मिनट बाद गांव के बाहर से बस छूटने वाली है, जल्दी करो। मैं देख के आती हूँ कि मेरे भाई सो रहे हैं, नहीं पीछे वाले दरवाजे से आ जाऊंगी। तुम्हें शक था कि तू ऐसी ही कुछ हरकत करेगी। तू हमारी बहन को भगा लिया। नैना तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बता सकते हो इसके बारे में कि गांव में किसे जानता था, इसकी दुश्मनी किससे थी, इसके कत्ल के पीछे क्या कारण हो सकता है? साहब, इस गांव का कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी और गांव के चोर या उचक्के ने इसके शहरी लिबास को देखकर लूटने के लिए मार डाला हो सकता है, और फिर इसकी लाश को हमारे खेत में फेंक दिया हो। यही वो जगह है जहां कल रात करण की लाश पड़ी थी और 5 साल पहले प्रभात की लाश भी यही पड़ी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है, जब से वो मरा है तब से यहीं पर है। अभी भी वो नैना की खिड़की को खटखटाता है, नैना का नाम पुकारता है हर रात। आखिरकार दोनों भाइयों ने खिड़की बंद कर दी, उसमें फट्टे लगा दिए, सब घर छोड़कर चले गए। नैना पागल हो गई, लेकिन प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। और अब तुम सोचते हो कि प्रभात वापस आ गया है और उसी ने करण को मार डाला? हाँ, जब हमने पुतला खड़ा किया तब प्रभात की आत्मा किसी तरह उसमें प्रवेश कर गई और उसको एक शरीर जैसा आकार मिल गया। अब वो पुतला हर उस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है जो
पहले उसके साथ हुआ था। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक। बकवास बंद करो, प्रभात मर चुका है। यहाँ से कहीं नहीं जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जमीन, एक काम करो, जितनी शराब पी सकते हो पी लो और बेहोश हो जाओ, ताकि जब प्रभात आए ना तो तुम्हें मालूम ही ना चले कि तुम्हारी मौत आई। चुप हो जाओ। तो मेरे चुप होने से होगा क्या? को तो कोई नहीं डाल सकता। उसने करण को मार डाला ना, तुम्हें भी मार डाले। क्या समझती हो? वो मुझे मारेगा, वो तुम्हारा प्रभात मुझे मारेगा, वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ, आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ मैं। मैं कोई बउआ नहीं हूँ, वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज उसका वो हाल करूँगा जो बरसों पहले प्रभात का किया था। मैं वो क्या करता हूँ? तू है जो मुझे मारेगा है? बहुत सुना है तेरे बारे में। मारेगा तू मुझे, देखता हूँ कैसे मारेगा। मिला, आंख से आंख मिला, मिला तू क्या मिलाएगा? घास फूस के पुतले, तू मारेगा मुझे, मारेगा, तू मारेगा मुझे, मार मार मार, तू मारेगा मुझे, मार मारेगा तू मुझे, तेरा तो नवा निशान मिटा दूंगा। अपाहिज हो गया, पुतला टूटा हो गया रे, ये ले अपाहिज हो गया, ये पुतले मारेगा मुझे, इन हाथों से मारेगा तू मुझे, मारेगा मारेगा तू मुझे, इन हाथों से मारेगा, ये ले ये। अब मैं क्या करता हूँ, देख क्या करता हूँ।
तेल लेकर पुतले को जलाने आया हुआ है। प्रवीण नहीं है, ये तो को पुतला है, पुतला पुतला है ये। प्रवीण प्रभात ने प्रवीण से भी पतला ले लिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।